लाहौर की दो बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर इनसे और ये लाहौर से हैं। कभी सागर किनारे पर किसी मछली को देखा है? ओए, 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 कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं, मगर फिर छोड़ जाती। मेरे हालात ऐसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बताना पड़ेगा किसी अच्छा तरीद और मोहब्बत के बारे में। हसीन तरीन शख्सियत थी अपने वक्त। हमारे लिए एंटरटेनमेंट खाना है। आज इबादत रूबरू हो गए। देखिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन दिल से खैर से ईद मुबारक, ईद के पहले दिन शाम 7:05 पर। वेलकम टू आवर फेसबुक लाइव, और ये हमने आपको दिखाए हैं अपनी ई ट्रांसमिशन का प्रोमो, जिसमें हम बहुत एक्साइटेड आपको लग रहे होंगे क्योंकि हमें लेजेंड्स के साथ शो करने का मौका मिला है। और ये जो शो है ये आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ईद के दिन आपको मुस्तनसर हुसैन तार साहब हों चाहे कवी खान साहब हों, आपको उनकी बातें उनके किस्से उनके एक्सपीरियंसेस सुनने का बहुत मजा आएगा। भाई मसला ये है कि ईद पे शोज बहुत सारे होते हैं। माय डियर सोशल मीडिया व्यूवर्स, एक तो आप हमें फॉलो करते हैं यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर कर दें जो लोग देख रहे हैं इस लाइव को, ताकि दो चार लोग और भी हमारे साथ आ जाए तो अच्छा लगेगा हमें। एक तो ये कि शोज हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन एक होता है ना कि रियल काइंड ऑफ टॉक, जो आप ऐसी बातें करते हैं जो उमूमी तौर पे आपको सुनने को नहीं मिलती। अब आपने ईद कैसे की, आपने क्या पहना, ईदी एंड ऑल, ये बातें आपको तकरीबन हर शो के अंदर मिलेंगी जितने भी ईद शोज हो रहे हैं, और सभी अच्छे हैं, सभी की तारीफ की जा सकती है। लेकिन एक होते हैं हकीकी किस्म की ज़िंदगी के करीब तर बातें, तो वो यकीनी तौर पर तारट साहब जैसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, 166 ईदें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, फिर मोहम्मद कवी खान साहब वन एंड ओनली, तो मेरे ख्याल में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत आप इंजॉय करेंगे। आयशा जाज़ेब भी होंगी हमारे साथ, उसके साथ साथ हमारी मेरी एंकर है मेरी परवेज, वो भी होंगी, तो इन सब से हमने गुफ्तगू। व्हाई डिड यू फॉरगेट जावेद बशीर? ओह सॉरी, ग्रेट सिंगर, ग्रेट। आपको म्यूजिक का हर चीज का आपको एक जो कहने फ्लेवर मिलेगा हमारी ट्रांसमिशन में, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। ईद के रोज शाम में आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशली ट्रांसमिशन होगी। और अब हमने पहले दिन की ट्रांसमिशन में क्या आपको बता दिया, अब जरा दूसरे दिन में भी आपके लिए जो सरप्राइज है थोड़ा सा हम रिवील कर देते हैं। जी से खैर से ईद मुबारक मेहमान, अजय कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, अच्छे से खाने में बना लेता हूं। कर मेरा इंतजार, जिन्हें तुम कह रहे हो जरा इंतजार। इतनी बुरी आवाज जिस फॉर्मेट के आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को शायद आपकी लाइटेस्ट साइड आप लोगों को खामोश दिखाने का एक अलग ही मजा। देखिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन दिल से खैर से ईद मुबारक, ईद के अच्छा एक तो हमारी ईद ट्रांसमिशन के हवाले से यूजुअल जो हमारी टाइमिंग है वो आपको पता है, हम एक्सप्रेसो तो 9 AM इन द मॉर्निंग करते हैं। ये दोनों शोज आप ईद के पहले और दूसरे दिन देखेंगे शाम 7 से 9 बजे तक, नंबर वन। नंबर टू एक शो हमारे तीसरे दिन भी आएगा, और वो हमारे अपने एंकर्स के साथ होगा, हमारी टीम के साथ होगा एक्सप्रेसो, वो भी आपने देखना है, लेकिन वो अगले दिन मॉर्निंग में 9 AM आएगा ईद पे थर्ड डे। और ये जो मिनाहिल ने गाना गाने की कोशिश की है ना, जिसका हमने सिर्फ एक बोल आपको प्रोमो, ये पूरा आपको सुनने को मिलेगा उस शो के अंदर। उस शो के अंदर उसमें बब्बू राणा ने उनके साथ बहुत ज्यादा किया सीन, लेकिन स्टिल जनाब आपने ये सेकंड डे पे देखा, मंसूर अली खान हो चाहे जावेद चौधरी साहब हो रिमान अजहर हो, बड़ा आपने इनको करख्त अंदाज में सियासतदानों को सवाल जो कहले करते हुए देखा है, लेकिन आप इनके लाइटर साइड देखेंगे ईद के दूसरे दिन, तो आपने ये वाली ट्रांसमिशन तो बिल्कुल ही मिस नहीं करनी। और हमने साथ आपके लिए किचन सेगमेंट रखा है, चूंकि शाम का वक्त है, खाबे खाने बहुत जरूरी है, तो हमारी जो शेफ है आमना वो भी आपको नजर आएंगी। प्रोमो में आपको थोड़ी सी नजर आई होंगी, क्योंकि प्रोमो इज अ शॉर्टर वर्जन, तो उसमें हाँ, लेकिन आपको हम इधर सारे अपने प्रोमोज वैसे अपने पेज पे जरूर पोस्ट हमने किए भी हैं, दोबारा भी कर देंगे ताकि आपको पता लग जाए। तो एक कंप्लीट फ्लेवर देने की कोशिश की है जी, ईद भरपूर तरीके से मनाइए। मेरी जो आप लोगों से गुजारिश है कि सारे डिफरेंसेज एक साइड पे रख के आप ईद दिल से मिलें, इस दफा 2 साल के बाद गले मिलने का मौका मिल रहा है, खुल के मिलें, दिल से मिलें, और कम से कम एक ऐसे शख्स को जरूर मैसेज करें ईद का जिसे काफी अरसे से आपकी बात नहीं, हो सकता है आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। दूसरा ये कि हमारी जो एक्सप्रेस न्यूज की जो ट्रांसमिशन है इसका थीम भी है दिल से खैर से ईद मुबारक, क्योंकि आई लव द टाइटल, हां आई लव इट, क्योंकि लास्ट टाइम दूर से खैर से किया था कोविड की वजह से, लेकिन दिल से खैर से ईद मुबारक इस बार हमारा जो जो कहने टैगलाइन है, तो आपने ईद अच्छे से सेलिब्रेट करनी है
और हमें भी याद रखना, हमें भी याद रखना है, और हम यहाँ पे लाइव आते रहेंगे, ये हमारा जो सिलसिला है यहाँ पे, ताकि आपसे बात होती रहे। वी वॉन्ट यू गाइज टू बी विद अस। आपने अगर शेयर नहीं की वीडियो तो जरूर कीजिए, लाइक नहीं किया अभी तक पेज को तो जरूर करें, और सजेस्ट भी करें ताकि हमारी ये जो कम्युनिटी है सोशल मीडिया की वो बढ़ जाए। वैसे तो हाँ, वैसे तो आप लोग हमें देखती हैं टेलीविजन के ऊपर, तो इंशाल्लाह अब आपसे लाइव यहाँ पे भी मुलाकात होती रहेगी और टीवी पे तो होती रहेगी। देखने का बहुत शुक्रिया, इन एडवांस ईद मुबारक, चांद मुबारक अगर पेशावर में तो भाई हम ईदें मिला रहे हैं, लेकिन स्टिल पेशावर वालों को एडवांस में हम कल फिर आपको दोबारा विश कर देंगे ईद मुबारक। सो आपने हमारी ट्रांसमिशन बिल्कुल मिस नहीं करना। यस, आपके साथ ही पूरे पाकिस्तान की ईद होती थी पीटीवी के ऊपर। 166 ईदें मैं मना चुका हूँ। माशाल्लाह, आपकी ईद किस तरह से डिफरेंट? ख्याल होता है लोगों का कि सेलिब्रिटीज की ईद बहुत अलग होती है, हम भी उसी तरह के इंसान हैं जैसे बाकी सब। मैं तो नहीं ये तो बहुत शरीर है तार साहब, मुझे आज पता चला। किसी भी लाहौरी को डिसएग्रीमेंट नहीं होगा कि हमारे लिए हर दिन ही ईद तरह का ही होता है। जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। देखिए ईद के खुसूसी ट्रांसमिशन दिल से खैर से ईद मुबारक, ईद के पहले दिन शाम 7:05 पर।